हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप काव्य कथा संवेदना दया दी नैक्सट कहानी पढ़ांगे। पंजाबी पाठ पुस्तक काव्य कथा संवेदना 9th ग्रेड लैसन नंबर 2nd जो कि है पत्ता। आओ आप इस कहानी नू पढ़ते हाँ ते इस बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। ये कहानी बच्चों संत सिंह सेखों की लिखी हुई है। देखो स्टार्टिंग दे विच खबरे ता रात देर तक नामो गुड्डी ते सूटां दे फिकरां विच पई रही। खबरे ठंडी ठंडी पछों दी हवा दे कारण जां कोई होर सबब हो गया। दूजे दिन ओ तड़के सूरज चढ़े तक मंजियो ना उठी। मां उसदी कुछ करारे सुभा दी सी, उसने ता आवाजा मार मार छत पाड़नी लई हुई सी। ठीक है, नामो आ ओ की करदी आ बचपन ओहदे विच बहुत, ठीक है, वह अपनी गुड्डी नूं सवारदी रहिंदी ओहदे सूटां बारे। शायद ओहदे करके ओह लेट हो गई सी, कहिंदी ओह देर सवेर तक की करदे आ सुत्ती रही, जिस करके ओहदी मां उस नूं की करदी है गुस्सा करदी है ते उसदी मां की है बहुत ज्यादा कोरे सवारदी है। नीरंडीए होर तेरे हुण बत्थ बथने ने 12 वरिया दी हो गई है, बुढ़ बलेट हुण थाई सुती पई है, मैं भी जगौंदी ने अज रोटी ते लजाणी है आपे, जदो जी करू ले जी उथे तेरा पतंदरी तेनू समारू। ओनू कह रही है कि तू 12 वरिया दी होगी हजे तक सुती पई है, कहिंदी मैं तेनू हुण नहीं जगाउणा, तू जद उठना हो आप ही उठ खड़ी, उथे तेरा की है जो बाप है वह तेनू खुद दसेगा। जे नामो बीमार भी होंदी तां भी मां ने इस नूं जगाउणा ते उठ बैठदी। सो झटपट बिछोणा तां उतला खेस लपेट मोढे रख नामो पौड़ी उत्तर आई। पानी दा गलास भर के मूंह धोता, आले विचों अपनी रोटी दही दा कौल कढ के खाणी शुरू कर दित्ती। उधर मां अपना नाच गाउण दा पर्ण पालदी रही अते नामो दे खसम नूं ते भरावां नूं पिटदी रही। ठीक है, गवांडो पीतो दी मां ने भी आवाज मारी, नामो कुड़ी धीए साडी पीतो नू भी रोटी देण नाल लै जी। ठीक है, फिर की आ ओ उठदी है, ठीक है, अपना मूंह सिर लपेटदी है, बिस्तरा इकट्ठा करदी है, पौड़ियों तो नीचे उतर आउंदी है, अपनी रोटी खांदी है ते फिर उहनां दी गवांडण आउंदी है, ओह कहिंदी है कि साडी पीतो नू भी की आ रोटी नाल लै के जाण लै जी। नामो ने छेती छेती हाजरी खत्म कर ली ते आले विच इक मूर झात मारी, मां ने रोटियां दही दे गठे पौने विच बन लस्सी दे चकले ते रख छड्डे सन, नामो ने ओह चुके ते चुप चाप कीती घरों निकल तुरी। राह विच पीतो नू भी आवाज मार ली ते दोवें सहेलियां खेतां विच रोटी देण नू की आ चले जांदियां ने। ठीक है, फिर उहनें की कीता अपनी रोटी खाती ते रोटी चक के की कीता खेत नू जाण लई तैयार हो गई। अगे है उधर हराम सिंह हल खालर खलार पिंड वल तक रहा है कि यह भी डर है कि नाल दे हाली बापू नू पता ना लग जावे कि पिछला हल खड़ गया है। हरनाम सिंह की नज़र थक चुकी है, झटपट कमाद दे ओल्यो एक लंबी हुचकोरे खांदी बॉडी तेड़ क्यों कपूरी घग्गरा ते सिर गुलाबी दुपट्टा पत्ता चुकी आउंदी दिसदी है। ओ मेरी रोटी आउंदी है, दिल गदगद हो के कहिंदा है। ए सिर्फ पत्ता ही नहीं सगो तड़के हली उठन करके वसूल ना हुई प्यार की आखिरी किश्त ब्याज नाल लद्दी आ रही है। अखियों तो लैंद शुरू होके वखियां कूलियां विच दी लंघदी पट्टा विच उतरदी है ते मुड़ उतां नूं चढ़ जांदी है। दिल विच चटक जही हुंदी है, हाली उधरों मूंह परत के बल्द नूं पराली मारदा है ते ललकारदा है। सियाड़ बड़ी छेती आ जांदा है ते उसे जगह ते आ के ओही अवस्था हो जांदी है। दूजा सियाड़ लिया के जो परत के उसे जगह आउंदा तां गुलाबे दुपट्टे ते घिओ कपूरी घग्गरे वाली लचकोरे खांदी मुटियार दे चेहरे दी रिश्म अखियां नाल टकराउंदी है। ठीक है, अखियां बिजली नालों तेज उत्थे अपड़दियां हन ते मुटियार झट करके घुंड सिट लैंदी है। ओए ए तां बंते दी बहू है, दिल धरती विच निगरन लग जांदा है। ठीक है, इहदे विच क्या कहिंदे हरनाम सिंह हल बाह रहे खेतां विच, ठीक है, कहिंदे ते ओह सियाड़ बना रहा, कहिंदे उहनूं भुलेखा पैंदा वी शायद ओहदी वहुटी है जो अज उसनूं पत्ता देण आई है। कहिंदे जिहदे घ्यो कपूरी घग्गरा पाया वह चकोरे खांदी बट ते तुरी आ रही है, पर जद तो उसनू पता लगदा कि मुटियार तां जिहड़ी हैगी आ बंते दी बहू आ तां ओह की हो जांदा बहुत उदास हो जांदा।
फिर वह पुरानी रफ्तार खुचा दी लचक काफ कफूर पांच छे सियाड़ लिया के विचारा तांगवान अखियां उस कमाद की नुक्कर वल जाण की आग्या ले देंदा है। बलद हौली हो जांदे हन। दो क पल वेखण बाद निराश होके फिर अखियां ते दिल नूं मोड़ लैंदा है ते खिच के बलद नूं प्राणी मारता है। ललकार दे दी थां एक निम्मो जिणी हिचकारी ही निकलदी है। दिल करारा करके दो तीन सियाड़ होर लियांदे तां फिर बहुतबती दिल अखियां नूं लैके कमाद की उसी नुक्करे ऐतकी जरूर आस पूरी हो। पलको बाद अखियां किधरे होर पासे अगाह पिछा झात मारन नूं तैयार हो रही सन तां कमाद की नुकरो झट करके एक लंबी लचकदार पुतली ते मोड़ लिया अते पर एदा घग्गरा कोई घ्यो कपूरी नहीं कोई होर ही रंग सी। ओ वोटी दे रोज दे घग्गरे दा रंग ते गुलाबी रंग दो ही जानदा है। शायद घग्गरा बदल गया होवे पर आस दा धागा टुट जांदा है जद दो गुड्डियां जईयां नाल दी पिछे आउंदियां दिसदियां हन। ए तां नामो ए ए दाड़ ने तां रोटी खाण दी सलाह ही हटा दिती। मां ने कम दे लालच करके तोरी नी नामो ई भेजती की हो सकदा ई। बलद नू इक प्राणी होर मार दिती जेड़ी ओदे पूरे ते वजी ओ कुछ टप गया। सियाड़ पिंगा हो गया पिया पाड़ा रह जावे कह के सियाड़ मगर तुर गया। ठीक है उन्होंने आस सी भी शायद ओदी वोटी की है उसनू रोटी देन आएगी परंतु ओ मुड़ मुड़ के की करदा देखता रहा। ठीक है कमाद वल भी उस नुकरे उसकी वोटी आएगी परंतु नामो की है पत्ता लेके आउंदी है क्योंकि फिर उसनू लगता भी शायद वो माँ के घर के कम ते लालच करके उसनू खेत नहीं भेजिया इस करके इन्हों दोनों गुड्डियां की है रोटी देने लिए भेज दिता। अठ दस सियाड़ आ चुके दिल की कामना पूरी नहीं हुई तो ढिड क्यों चट्टी भरे। मुड़ विचारे ने राह वल वेख्या घग्गरे वाली ता नाल दे खेत नू मुड़ गई नामो तो पितो आ पुजियां बाई रोटी खा ले। नामो ने मिठी जिही आवाज विच पुकारिया खा लैने आ सियाड़ ले आई है। हरनाम सिंह ने भरिया रगा नाल जवाब दिता सियाड़ आ गया है पुत हल छड़ के रोटी खाण बह गए। हरनाम सिंह नू तां हथ धोण दा भी ख्याल नहीं आया। प्यो भी जानता है कि बहू ना आउण कारण मुंडा कुछ ढिला हो गया। ठीक है जो हुण उसकी भैन की है उन्हूं रोटी लेके आई है फिर उहदा प्यो कहिंदा भी तूं रोटी खा ला। प्यो नूं भी पता सी कि उसकी वोटी नहीं आई इस करके उह की है थोड़ा उदास है। नामो पुत रोटी अपनी भाभी नूं दे के घल्लिया कर तूं लस्सी थोड़ी लियाउनी है बड़ा चक्करा चक नहीं हुंदा ए लस्सी तां असी हुण पी जांगे। नहीं बापू भाभी अज दाणा दलदी सी दाणा मुक्या होया सी इस करके नहीं आई। ठीक है फिर उहदा बापू कहिंदा भी तूं अपनी भाभी नूं भेजिया कर तेतो जो है कि यह चकला चक्या नहीं जाता। फिर वह दसी है कि अज वो की है दाणा दल रही है दाणा दाणा असी खरास दल दिंदे कई अपनी मां नू छोले सुकने पा छड़े असी अज दाणा दल देंगे। हरनाम सिया हल अज पमा साजरे ई छड़ देई बई दाणा जाके दलना है। फिर वह कहता भी दाणा असी दल देंगे तू भावे अज की कर दे ये हल का काम अद विचकार ही छड़ दे। हरनाम सिंह नूं अज बापू सभना दिनां नालों चंगा लगा जां ओ इस दिन चंगा लगा सी जिस दिन उसका विआह सी ते बापू ने कपड़ियां नूं 30 रुपए दिते सन पर वह चंगा कह के चुप हो गया। दिल विच कुछ बढ़ गया जिहड़ी मां दे खिलाफ पुरानियां सब गल्लां दी गठड़ी झटपट खोलन लग पिया। ठीक है हुण उसने हमदर्दी की अपने पुत्र नाल इस करके की आ बापू उसनूं चंगा लगन लग पिया। तुसी बापू हुण रोटी खा लो असी गाहां पीतो के रोटी दे आईए नामो दो क मिंट बाद बोली पीतो का मुरब्बा अगला सी। ठीक है हुण उन्होंने अगले खेत रोटी देन जाना सी नामो तो पीतो ने। पीतो नूं पता सी कि ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਰਜਾਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪੀਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਓ ਹੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਪੀਤੋ ਦੀ ਰੌਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਮੋ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਟੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿੱਤੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਪਿੱਤੋ ਨੇ ਅੱਗੋ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮੁਸਕਰਾਏ ਪਰ ਨਾਮੋ ਨੇ ਪੀਤੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਪੀਤੋ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾਮੋ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗੱਲ ਚਬਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ठीक है। फिर उन्हें किया नामो दे बापू ने किनू कहा पीतो नू कहा भी तेरी भाभी तो पढ़ी लिखी है भी वह रोटी नहीं लैके जाती। नहीं बेबे ने कदे उन्हू कहा ही नहीं। पीतो ने अपनी भरजाई के पक्ष में कहा पर फिर चाचे की अकल अगे अपनी अकल नू निभा के कह दिता पता नहीं ऐव दे इहू। प्यो पुत्र दोवें हस पे ते नामो ते पीतो भी कुछ मुस्कुराईया। इस ते हरनाम सिंह होरी तो रोटी खाते रहे नामो ते पीतो पीतो के मुरब्बे वाल नू तुर पईया। ठीक है, वह हसते हसाते की है दो रोटी खाते रहे और वह दोनों की अगले खेत चले गए। एक किले को दी विद ते जाके पीतो ते नामो नू पुछा कुड़े काते तेरी भाभी रोटी देन नहीं आउंदी। ठीक है, फिर दोनों सहेलियां आपस में गल करदियां ने। उन्हें पुछा कि तेरी भाभी रोटी क्यों नहीं देन आउंदी। नामो नू भी पता सी कि पर उन्हें एक तरकीब सोची भल के पीतो नू अपनी भाभी नू लै के रोटी देन आई मैं भी अपनी भाभी नाल आऊंगी जे तेरी भाभी ना तुरी तां पुछी कातो नहीं तुरदी। ठीक है, उन्होंने कहा भी मैं भी अपनी भाभी लेके आऊंगी तू भी अपनी भाभी लेके आई जे तेरी भाभी ना आई तां तुसनू पुछी भी वह क्यों नहीं आई। चंगा पीतो नू भी गल कुछ जच गई पर फिर बोली तेरी ई मां ने थोनू दोहां नू नहीं तोरना कहो एक जनी जाओ। नामो नू भी एवें ही जापी अते होर गल अगे ना कीती। उन्होंने पता सी कि उहदां दी मावां ने की है ननद भरजाई दोनों नू नहीं भेजना। उन्होंने कहना है कि तुसीं कल्लियां कल्लियां रोटी देन जाओ। पीतो के खेतां विच पीतो दा बापू ते को कामे हल वाह रहे सन। पीतो नू वेख के सारे खुश हो गए। पीतो अज रोटी लैके आई सी एक बोलिया कुड़ी थक तां नहीं गई। दूजे ने कोलो कहा नामो नू पासिया कि पीतो नू सब पुचकार दे ते प्यार दे हन पर ओदी कोई परवाह नहीं करता। ओदा दिल कुछ उदास जिहा हो गया। ठीक है, वह कहते ने कहते भी पीतो नू सारे इन्ना प्यार करते ने। ठीक है, नामो नू कुछ लग्या भी मैनू कोई प्यार नहीं करता ते मैनू सारे की झिड़कते रहिंदे आ। पीतो ने कामिया की खुशामत दे नामो की उदासी कुछ ना गौलिया। वह झट रोटियां फड़ा मुड़ पईआं भांडे आपे बापू ले आऊ। राह विच नामो ने एक मुरब्बिया गडवा नामो दे फड़ लिया ते दोवें घरां वल मुड़ पईआं। कुड़े भलके रोटी देन तू ही आवेंगी नामो ने पीतो कोल पुछिया। नी भैणे मैं तां अज थक गई। पीतो थकेवें नाल साह भर के बोली के बह के आराम ले लईए आओ टाली दी छावें बैठांगे। नामो ने एक टाली वल जो के कुछ किले दी विद ते सी उंगल करके कहा। जद उस टाली हेठां अपड़ियां तां पीतो झट नाल बह गई। नामो भी की आ उत्थे ही बह गई। ठीक है, वह दोनों हुण थक गईआं सीगीआं ते उन्हां ने की कीता एक टाली नीचे बैठ गईआं। पीतो तू तां बड़ी छेती थक गई नामो ने कहा। ठीक है, नामो पीतो नूं कहिंदी है कि तू तां बहुत जल्दी थक गई एडी छेती थक जाइए मैं तां कौ तुर के ना थकां। हुण तक वह कौ दी विद बद तुर चुकीआं सन पर नामो ने कौ दा अर्थ कोई थका देण वाली पंड सी। भैने मैं तां थक गई मेरा तां जाणी सिर घुम्मदा। पीतो ने सिर नूं फड़ के कहा। पीतो ने कहा कि मेरा तां सिर घुम्मदा पर नामो ने कहा भी मैं नहीं थक रही। हुण पीतो भाभी ने एक बाग ला लैना। मां कहती है कि तू ओदे वाला चरखा लैके कत्या करी कदे थोड़े घर छोप पा लिया करांगे कदे साढ़े। नामो ने समझो पीतो नू दरखास्त की थोड़े घर भैने तेरी मां तो डर लगते साढ़े घर ही आ जाया करी। पीतो ने कुछ मड़क नाल जवाब दिता। ठीक है, नामो पीतो नू कहिंदी आ कि तू साडे घर आ जाया करी चरखा कत्तण परंतु जो हैगी आ पीतो पीतो ने कहा नहीं भैने मैं तुहाडे घर नहीं आउणा भी तेरी माँ दा सुभाव कुछ करारा तू साडे घर ही आ जाया कर। चंगा फिर कदे कदे साडे घर भी पा लिया करांगे कदे कदे नू नी मेरी माँ कुछ कहिंदी। नामो ने हार मन के कहा नामो तेरी भाभी कही है पीतो नू अपनी वडियाई जताउण लई पुछिया तेरे नाल चंगा वर्ताव करदी है। ठीक है, फिर एक दूजे नाल गल्लां करदी है कि तेरी भाभी दा सुभाव किद्दां वी उसदा वर्त वर्ताव किस तरह दा है चंगा ही है। नामो ने जवाब दिता नामो भरजाई वल्लों हाले निराश नहीं सी होई हाले तां चंगी है अगे दा कहिंदी पता नहीं। फिर नामो कह रही है कि मेरी भरजाई हजे तक कहिंदा चंगी है पर अगे कुछ नहीं कह सकती। मेरी भाभी दा भाई बड़ी चंगी है। पीतो फिर वडियाई विच आ के बोली एक बाग गुलखेरिया का ता बन्ने भी ला दिता ते कहती है कि बीबी पेकिया तो मैं सरपल्लू कट के लियाऊँ। ठीक है, वह कहते बहुत चंगी है कहती वह कहती है कि मैं पेकिया तो की एक सरपल्लू भाव एक फुलकारी कट के लेके आऊँ तेनू तो सरपल्लुआ दी लगी रहती है। नामो दी भी चल गई तेरा तो हुणे मुकलावा जाणू जी करता कहती तेनू तो सरपल्लिया की लगी रहती है कहते शायद तेरा दिल की करता विआह करवाणू करता किधरे दी गल लै जाती है। पीतो ने शर्मिंदगी होकर जवाब दिता
चंगा फिर उठ चलिए धुप चढ़दी है। नामो यह कह के गडवा चुक के उठ खड़ी हुई पीतो भी उठी अते दोवे घरां वल नूं किया फिर तुर पैंदियां हन। कुड़ी आपां ऐस बुढ़ी नूं नाल रला लईए। पीतो दो को कदम तुर के एक पिछे आउंदी ही बुढ़ी वल इशारा करके बोली, कल्लिआं नूं तां आपां नूं सड़क तों डर लगू। राह विच इक जरनैली सड़क सी जिथों पिंड दे इयाणे बड़ा डरदे सन क्योंकि उथों कई किस्म दे लोक जांगली ते राशी भी लगदे हन। ठीक है, फिर एक राह विच इक बुढ़ी तुरी जांदी आ क्योंकि उह आपस विच की आ दोनों डरदियां सी सुन्ने राह तों जरनैली सड़क तों, अते उन्हां ने कहा कि असीं इस बुढ़ी दे नाल ही चलदे हां। कहिंदे उन्होंने सुनिया वा कि उत्थे सड़क ते की है जांगली अते रास्ते लंघदे हन। नामो कुछ दलीर सी, नी डर कादा, वह बोली, कोई नहीं तेनू फड़दा अपना, किसी ने अचार पाउणा है। फिर वह कहती है, कहिंदे तू डरदी क्यों, दस आपां नू फड़ के अपना की, किसी ने आपां तों क्यों करवाउणा की अपना अचार पाउणा। नी ओ ना कहो, पीतो ने सियाणा जिहा मूँह बना के कहा, भाबी के पिंड ते लागे एक पिंड है, उत्थे इसे तरह एक अपनी जिड्डी कुड़ी नू राशे की आ कहिंदी चुक के लै गए सन। ये सुन के नामो उस पिछे आउंदी बुढ़ी नू नाल रलाउण लई मन जांदी है। दो क मिंट बाद वह बुढ़ी नाल की आ उन्हां दी रल जांदी है, भाव दोनों डरियां होईयां सी। अंत उन्होंने की किया, उस बुढ़ी नू अपने नाल रला लिया। अम्मा सानू सड़क तो डर लगता, असी कहा अम्मा नाल चलांगे। नामो ने अम्मा नू खुश करन लई कहा, फिर वह उसनू खुश करन लई उसकी वडियाई करती हुई कहती है, नी थोनू कौन चक्की जांदा है, हूरा जांदियां नू सड़क तो। बुढ़ी सड़ के बोली, फिर वो जिहड़ी बुढ़ी सी बहुत गुस्से नाल बोली, कहिंदी तुहानू हूरा नू इस सड़क तो कौन चुक के लै जांदा। वह आ कूड़े अम्मा पीतो दे मूँह निकलिया। फिर पीतो ने बड़ी हैरानी नाल कहा, चलो धीए चलो, उसने झट नरम होकर आख्या। फिर की आ, उसने नरम होकर आख्या भी हाँ जी तुसी चलो। बच्चे आप ही अजे कहानी पढ़ी, पर तुसी इस कहानी नू चंगी तरह सुनिया अते इसनू समझिया भी आ। तुहानू इस कहानी की असाइनमेंट भी दिती गई सी, आओ आपां हुण इस दे क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं भी जगाउंदी नहीं अज रोटी ते लजानी है ता आपे जदो जी करू लै जी उत्थे तेरा पतंदरी तेनू समारू। ए शब्द किसने किसनू कहे, ए शब्द नामो दी मां ने नामो नू आवाजा मारदे हुए कहे, थोड़ा करारे सुभा दी सी। उहदी मां कहिंदे बहुत गुस्से वाली सी, ए शब्द उसने की किता अपनी धी नू कहे। इस पात्र ने ए शब्द क्यों कहे, कहानी विचले पात्र नामो दी मां ने ये शब्द नामो नू इसलिए कहे सन क्योंकि वह काफ़ी दिन चढ़े तक सुत्ती पई रहिंदी सी अते खेतां विच कम करदे उसदे बापू अते भरा दी रोटी विचों की कर दिंदी सी, बहुत ज़्यादा देर कर दिंदी सी। रोटी किसने किथे लैके जानी सी, नामो ने रोटी खेत विच कम करदे बापू अते उसदे भरा नू लैके जानी सी, जो कि मां ने रोटियां दही गठे पौने विच बन के लस्सी दे चक्करे ते की कर दित्ते सन, रख दित्ते सन। ये शब्द बोलण वाले पात्र ते सुभा ते चानना पाओ। ये शब्द नामो दी मां ने कहे सन, वह करारे सुभा दी इक बुढ़ी औरत है, वह अणथक मेहनती है अते अपना सादा जीवन बतीत करदी है अते वह इक घरेलू औरत है। तेरी भाभी पीतो पढ़े हुए दी बहू है, वह नहीं रोटी लेके जाती। फस्ट क्वेश्चन, ये शब्द किस कहानी विचों लए गए हैं, इस कहानी का नाम भी दसो। ये कहानी पत्ता कहानी विचों लए गए हैं, इस कहानी का नाम संत इस कहानी की कहानीकार का नाम संत सिंह सेखो है। ये शब्द किसने किसनू कहे, ये शब्द नामो ने बापू ने नामो की सहेली की आ पीतो नू कहे। पीतो की भाभी कितों रोटी नहीं लेके जाती सी, ठीक है, कितने रोटी नहीं लैके जाती सी, इसके कारण नू विस्तार सहित दसो। पीतो की भाभी खेतों विच रोटी नहीं सी लैके जाती क्योंकि पीतो का भरा कॉलेज विच पढ़ता सी ते उसका बापू कामिया नाल खेती विच की करता सी, हल बोंदा सी। इस कहे बाक विच पीतो ना आया है, इस कहानी विच किहो जिहा पात्र है, पीतो कोई 12 साल की कुड़ी है, वह अपनी सहेली नामो नाल खेतों विच अपने बापू की की करती है, रोटी लेके जाती है। वह एक नर्म डरपोक सुभा दी कुड़ी है, वह बहमा भरावां विच की है कहिंदे फसी हुई है। वह कहिंदी है कि जरनैली सड़क ते राशे न्याणियां नूं की करदे हन चुक के लै जांदे हन। तुहाडे घर भैणे तेरी मां तो डर लगदे, साढ़े घर भी आ जाया करे। फस्ट क्वेश्चन है, ये वार्तालाप किन्ना किन्ना विच बोले गए, उपरोक्त वार्तालाप पीतो अते नामो विचकार बोले गए सन। किस दी मां तो किस तो डर लगता सी ते क्यों, नामो दी मां तो पीतो नू डर लगता सी क्योंकि नामो दी मां दा जिहड़ा सुभा सी कहिंदे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला सी, इसलिए पीतो नामो दे घर की करती सी जाण तो डरदी सी। किसे घर जाण दी गल हो रही सी,
नामो दे घर दे जाण दी गल हो रही सी। नामो ने पितो नूं कहा सी कि साढ़े घर बैठ के आपां की करांगे, चरखा कत्तिया करांगे। उन्होंने दूजे घर क्यों जाना सी? नामो दी भाबी ने बाग लाउणा सी अते नामो पितो नूं कहिंदी है कि तू साढ़े घर आ जाया करी, असीं रल के चरखा कत्तिया करांगे। पर पीतो ने उस नूं साफ इनकार कर दिता, ना भैण तू साढ़े घर ना साढ़े घर ही आ जाया कर, मैनू की कहिंदे तेरी मां तू डर लगता। कुछ होर प्रश्न, पीतो ते नामो उस सड़क ते क्यों डरदियां सन? क्योंकि वह जनैली सड़क सुनसान सी, जिस लई कहा जाता सी कि इत्थों दे बहुत सारे जंगली जिहड़े राशे हुंदे ने लोग नगदे हन अते न्याणियां चुक के लै जांदे हन। इस समय वह भी उत्थे इकल्लियां ही जा रहियां सन, इस करके वह की है बहुत ज़्यादा डरिया हुई सन। पत्ता कहानी के पात्रां दा नाम दसो। हरनाम सिंह, नामो, पीतो, नामो दा प्यो अते बुढ़ी औरत। पत्ता कहानी विच पेंडू किसानी जीवन दा केड़ा चित्र पेश किया गया है? पत्ता कहानी विच पेंडू किसानां दे सधारण जीवन नूं पेश किया गया है, जो कि अथाह अते मेहनत सीधे सुभा वाली अते सादा जीवन बसर करन वाले लोग सन। बच्चे देखो, आप इस कहानी पढ़ी चंगी तरह इसकी स्टोरी भी जानी है, ठीक है। तुसी हुण इन्हां दे क्वेश्चन आंसर घर बह के चंगी तरह याद करने हैं। मैं उम्मीद है कि तुसी इन्हां क्वेश्चन आंसर नूं जरूर चंगी तरह पढ़ोगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।